सीरीज का अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x उसका dx। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण एक। अब करते हैं इसमें प्रगुण नंबर 4 का यूज। तो प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करने पर और इसको मानते हैं i के बराबर। फिर से नीचे लिखते हैं i लिमिट 0 से पाई बाई 2। और प्रगुण क्या होती है, हम लोग फंक्शन में अपर लिमिट माइनस करते हैं। तो साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स उसके बाद ऊपर dx। अभी हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स और पावर 4 है ऊपर तो वो भी लग जाएगी। सेम नीचे साइन बदल जाएगा कॉस में पावर 4 प्लस कॉस बदल जाएगा साइन में पावर 4 और ऊपर dx। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो LHS में हो जाता है i प्लस आई यानी 2i और RHS में इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो उस जगह पर भी ये डिनोमिनेटर लिख देंगे और प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। ऊपर आ जाएगा साइन की पावर 4x dx और इधर आ जाएगा कॉस की पावर 4x dx। अब नीचे इन दोनों को जोड़ने पे हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर नंबर ऐसे जुड़ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और नीचे डिनोमिनेटर को यूज कर लेंगे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और ये रहा dx। अब ऊपर और नीचे दोनों नंबर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल इंटीग्रेट हम लोग को करना है 1 को तो ये हो जाएगा 2i = 1 का होता है dx x लिमिट 0 से पाई बाई 2। और करते हैं इसको सॉल्व। तो लिमिट रखने पे हो जाएगा पहले अपर लिमिट यानी पाई बाई 2 फिर लोअर लिमिट यानी 0 माइनस के साथ। अब यहाँ पर बचा पाई बाई 2 और इधर बचा 2i। तो फाइनली हमें i मिल जाएगा पाई बाई 2 और ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे साइड जिससे हो जाएगा पाई बाई 4 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।